बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे गंडेरियाँ। ये मौसम है और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने गंडेरियाँ ना खाई हूँ, लेकिन आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि ये गंडेरियाँ बनाई कैसे जाती हैं। तो आइए देखते हैं गंडेरियाँ कैसे बनाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम गन्ने ले लेंगे खेत से। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। गन्ने का छिलका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बांग कहते हैं, बांग। और गन्नों का छिलका उतारने के लिए ये इस्तेमाल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गन्ने का छिलका जो है उतर गया है। गंडेरियां खाने का मजा तो आता है, लेकिन काफी मेहनत वाला काम है। ये उसी तरह काम करता है जैसे आलू छीलने के लिए पोटैटो पीलर है, वो काम करता है।
इसी तरह सारे गन्ने जो है वो छील लेंगे। बहुत ज़्यादा गंडेरियाँ बनानी है क्योंकि बच्चों को तकसीम करके आना है, तो इसी तरह हम सारे के सारे गन्ने जो हैं वो छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे गंड कहते हैं पंजाबी में, ये जोड़ जो होता है इसे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसकी गंडेरियां जो हैं वो काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ताज़ा और मज़ेदार सी गंडेरियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं, और वो भी ढेर सारी। तो अब हम इन्हें पैक करेंगे। ये फूड बैग हैं, मुदस्सर भाई ने कोरिया से भेजे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के। इनमें गंडेरियाँ पैक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गंडेरियाँ काटने के बाद अच्छी तरह धो ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ताज़े गन्ने लिए थे खेत से, तो इनका मज़ा जो है बाज़ार वाली गंडेरियों से ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चल चलो चलो लाई चलो जी मेरी जान। जी बेटा चला जाओ।
तेरी भैन ले गई खड़ी।